डियर स्टूडेंट अब हमारे पास दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं और इनको हम डिफाइन करते हैं जी डेल्टा सेट एंड एफ सिग्मा सेट ओके जो हमारे पास प्राइम नोशंस हैं मयर थ्योरी में वो ओपन सेट्स हैं और रियल uh, लाइन है तो उसमें ओपन इंटरवल्स हैं क्लोज इंटरवल्स हैं एंड सो ऑन ओके जी अब कोई भी सेट हम जी डेल्टा सेट कब कहेंगे इफ इट कैन बी एक्सप्रेसिबल एज अ काउंटेबल इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स ओपन सेट्स के काउंटेबल इंटरसेक्शन की फॉर्म में अगर वो एक्सप्रेस हो जाए तो उसको हम जी डेल्टा सेट कहेंगे जी हाँ जी फॉर एग्जाम्पल आपके पास से आप कहते हैं ये काउंटेबल इंटरसेक्शन आप लेते हैं ऑफ डीज ओपन इंटरवल्स से आप कहते हैं जी ए माइनस वन ओवर एन एंड बी प्लस वन ओवर एन ओके okay, तो इनकी जरा लोकेशन देखें तो फॉर एग्जांपल आपके पास ये ए है तो ए माइनस वन ओवर एन क्या होगा जी और फर्दर यहाँ पे ये ए माइनस वन ओवर एन की पोजीशन आ जाएगी ओके okay? और अगर बी है तो बी में प्लस करेंगे वन ओवर एन तो कुछ राइट पे आ जाएगी उसकी लोकेशन तो ये बी प्लस वन ओवर एन है ठीक है ओके जी अब अगर आप एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करते हैं तो आप देखेंगे कि इंटरवल्स की लेंथ स्क्वीज होना शुरू हो जाएगी यहाँ तक कि वो कन्वर्ज कर जाएगा बी पॉइंट के ऊपर अगर राइट right से आप एन को इंक्रीज करते हैं और अगर लेफ्ट से आप एन को इंक्रीज करते हैं तो वो नेगेटिव का लेस होने का मतलब ये है कि वो राइट right की तरफ शिफ्ट होगा ठीक है जी यहाँ तक कि वो ए की तरफ कन्वर्ज कर जाएगा तो ये आपको ऑलमोस्ट ए बी ओपन इंटरवल देगा ठीक है तो आप देख सकते हैं कि ट्रिवियली एक ओपन इंटरवल जो उनका है वो क्या जी, है तो A, क्या जी जी डेल्टा सेट है ठीक है तो ए बी इंटरवल क्या है जी इज ऑलमोस्ट ट्रिवियली जी डेल्टा सेट है ओके अब जी डेल्टा सेट तो है तो क्या जी डेल्टा सेट मयरेबल uh, होता है ये हमारे पास एक प्रॉब्लम uh, है इसको हम इजीली uh, देख सकते हैं जी uh, इसको नोट कर लेते हैं कैसे हो सकता है जी देखें आपने डिफाइन किया है कि जी डेल्टा सेट क्या है वो काउंटेबल इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट है काउंटेबल इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट है तो ओपन सेट क्या होते हैं जी ये मयरेबल होते हैं आपने देखा था ठीक है काउंटेबल उनकी काउंटेबल इंटरसेक्शन ये काउंटेबल इंटरसेक्शन वो भी क्या होती है मयरेबल होती है तो मयरेबल सेट्स की जो उनसे काउंटेबल इंटरसेक्शन वो भी इट सेल्फ क्या होती है मयरेबल होती है तो इट मींस के जी डेल्टा सेट क्या है वो मयरेबल है ठीक है जी तो इसको हम यही लिखते हैं यहाँ पर वेल well, जी ये हमने यहां पे नोट कर लिया कि जी डेल्टा सेट क्या है वो मयरेबल है ओके अब ऑन अदर हैंड हम डिस्कस करते हैं जी एफ डेल्टा सेट तो एफ डेल्टा सेट क्या होता है एफ डेल्टा सेट ये होता है जी कि अगर इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए काउंटेबल यूनियन वहां पर इंटरसेक्शन था जी डेल्टा में तो यहां पर क्या है ऑफ यूनियन ऑफ ओपन सेट्स काउंटेबल यूनियन ऑफ सॉरी यहां पे क्लोज सेट आएगा ओपन कीजिएगा क्लोज सेट आएगा तो काउंटेबल इफ एनी सेट कैन बी एक्सप्रेस्ड और कैन बी रिटर्न एज ए काउंटेबल यूनियन ऑफ क्लोज सेट्स देन इट सेट टू बी इट विल सेट टू बी इट विल बी सेट टू बी क्या होगा जी ये एफ डेल्टा सेट कहेंगे इसको ओके okay, तो देखें इसको डिफाइन लिखते हैं हम हाँ जी एग्जाम्पल में देखते हैं कि ए बी ओपन इंटरवल है बट इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए काउंटेबल यूनियन ऑफ क्लोज सेट ये क्लोज सेट्स हैं जी आपके पास बी माइनस वन ओवर एन ओके तो इनकी जरा लोकेशन देखें आप फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ए है तो ए प्लस वन ओवर एन वो थोड़ा सा राइट पर आ जाएगा आप क्योंकि प्लस कर रहे हैं आप तो ये वन ओवर एन की पोजिशन है और ये क्लोज इंटरवल है यहां पर बी है जी सॉरी ये बी है तो बी माइनस वन ओवर एन कुछ ये है ये बी माइनस वन ओवर एन ओके जब एन अप्रोचिस टू आप इन्फिनिटी करेंगे तो क्लोज सेट्स की देखें जी ए में जब एन को इंक्रीज करेंगे वन ओवर एन में जब एन अप्रोचिस टू या वन ओवर एन एन जब इंक्रीज होगा तो वन ओवर एन डिक्रीज होगा जब डिक्रीज होगा तो ये ए प्लस वन ओवर एन की वैल्यू लेस होती जाएगी लेस होती जाएगी यहाँ तक ये A Being, तो कि ये ए के ऊपर कन्वर्ज कर जाएगा बींग क्योंकि एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी है तो इट मीन्स कि अप्रोच करेगा एग्जैक्टली exactly इसकी वैल्यू नहीं देगा आपको ठीक है और इसी तरह ये चीज यहाँ पर बी माइनस वन ओवर एन वन ओवर एन क्योंकि क्या होगा जी वो एन को इंक्रीज करने से क्या होगा डिक्रीज होगा डिक्रीज होगा लेकिन माइनस कर रहे हैं तो इट मीन्स के वो राइट right की तरफ शिफ्ट होता जाएगा ठीक है तो होते होते वो यहाँ पर बी की तरफ कन्वर्ज करेगा तो आप देख सकते हैं कि ये ओपन इंटरवल ए बी जोन सा है वो एक्सप्रेसिबल है एज ए काउंटेबल यूनियन ऑफ क्लोज सेट्स ठीक है जी तो यहाँ पर यही कमेंट है कि ए बी क्या जी वो ओपन इंटरवल इज आल्सो के जी एफ डेल्टा सेट ठीक है ये एफ डेल्टा सेट होता है ओके okay, अब इसमें भी सेम आ, आर्गुमेंट है जी कि एफ डेल्टा सेट आया मयरेबल होता है कि नहीं होता ठीक है जी आ, इसको हमने चेक करना है सो यू कैन सी के एफ डेल्टा सेट क्या है जी ऑप सेट्स ये भी हमने स्टडी किया था मयरेबल है ठीक है और उनकी काउंटेबल यूनियन ये भी हमने स्टडी किया था कि मयरेबल है तो बिकॉज एफ डेल्टा सेट क्या होता है काउंटेबल यूनियन ऑफ मयरेबल सेट्स है तो मयरेबल सेट्स की काउंटेबल यूनियन भी क्या होती है इट सेल्फ मयरेबल होती है तो हम कहेंगे कि एफ डेल्टा सेट भी क्या है मयरेबल है तो ये चीज हम यहाँ पे फिर इसके नोट में लिख देते हैं और यहाँ पे काउंटेबल इंटरसेक्शन किसकी है मयूरेबल सेट्स की और मयूरेबल सेट्स यहाँ पर के हैं वो क्लोज हैं ठीक है जी और एक और ऑब्जर्वेशन है जिसको आप होपफुली के खुद इसको आप वेरीफाई करेंगे आई एक्सपेक्ट फ्रॉम योर साइड क्या जी के जी डेल्टा इसका जो कंप्लीमेंट होता है वो एफ सिग्मा होता है एंड वाइस वर्सा ठीक है जी इसको